सकते रस मार्केट का बहुत ज़्यादा रस है, बच्चे का, लेडीज़ का, जेंट्स का, सब कपड़ा मिल जाएगा। खास तौर पे लेडीज़ का ज़्यादा है इधर। रात के 8 बज रहे हैं और कलकत्ता का मटिया ब्रिज में ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है। मटिया ब्रिज का मार्केट, मिष्टी दही जो बिहारी वासियों के दिल में बसा हुआ बताते हैं कैसा लग रहा दही टेस्ट कर रहे। अच्छा जगह आप लोग आ चुके हैं मटिया ब्रिज में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। ये हमारे मटिया ब्रिज में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सरकार है और दीदी सबको लेके चलती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं। और ही मजा आने वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के इन कोलकाता की सड़कों पर। आपको बता दें कि अभी हम लोग निकल रहे हैं मटिया ब्रिज के लिए और पीछे रोड देख सकते हैं, हम लोग बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। रोड पे आप ये पटरी जैसा देख रहे हैं, ये ट्रम चलता था इस पर, कुछ दिन से अभी बंद है, ट्रम नहीं चल पा रहा। ये BSNL का है, बड़ा कंपनी। और वहाँ देखें पंजाब नेशनल बैंक का बिल्डिंग, और वहाँ सामने में है बस स्टॉप। हम लोग बस स्टॉप पर जा रहे हैं, फिर हम लोग को बस पकड़ना है। 123 बस का नंबर है जिस पर लिखा रहेगा, उसी वही बस मटिया ब्रिज जाएगा। और ये भी बस से पूछे तो ये भी बस इनकार कर दिए कि हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग फाइनली बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग भी इधर काफ़ी खड़े हुए हैं और कुछ लोग इधर भी खड़े हुए हैं बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और बस अभी आ नहीं रही, बस सामने से आ रही है। तो अभी तक आप हमारे चैनल 3 घुमक्कड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। और फाइनली आधा घंटा बस स्टॉप पर इंतज़ार करने के बाद बस मिल गया और हम लोग बस से जा रहे हैं मटिया ब्रिज। तो मिलते हैं आपको मटिया ब्रिज में, और मटिया ब्रिज के मार्केट का भी शेयर कराएंगे आपको, दिखाएंगे कि मटिया ब्रिज में क्या कुछ है। और दोस्त लोग अंदर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग मटिया ब्रिज पहुंच चुके हैं और मटिया ब्रिज का आप देख सकते हैं मार्केट। मटिया ब्रिज में 8 बज रहा है अभी और 8 बजे का ये नज़ारा है मार्केट का। तो चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं मटिया ब्रिज की मार्केट का नज़ारा। ये चश्मा का दुकान है और यहाँ कुछ सामाने बिक रहे हैं, और जैसे ही अंदर आएंगे इन करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे बच्चों का ड्रेस मिल रहा है। इधर बच्चों का ड्रेस है और इधर देख सकते हैं लेडीज़, और इधर भी कुछ देखें आप, इधर भी कपड़ा का सेल लगा हुआ है, जैसे हाजी कलेक्शन आप देख सकते हैं। और ये पूरा मार्केट है मटिया ब्रिज का मार्केट, देख सकते हैं आप। ये रात के 8 बज रहे हैं और कलकत्ता का मटिया ब्रिज में ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है मटिया ब्रिज के मार्केट का। फिर जैसे आप अंदर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ, हर चीज़ का दुकान मिल जाएगा यहाँ। लेडीज सूट वगैरह, और इधर देखें आप, आखिर भी देख सकते हैं आप, सिर्फ कपड़ा का दुकान है। और इधर भी कपड़ा, ये मार्केट ज़्यादा कपड़ा की दुकान की है, बच्चे का, लेडीज़ का, जेंट्स का, सब कपड़ा मिल जाएगा। खास तौर पे लेडीज़ का ज़्यादा है इधर। और आपको आगे दिखाएंगे चप्पल मार्केट है, उसको भी दिखाएंगे चप्पल का। तो मार्केट देख रहे हैं बहुत बड़ा मार्केट है, आप जैसे कैमरा में देख रहे हैं भीड़ काफ़ी है इस मार्केट में। देख सकते हैं इधर भी ये पूरा, एक्चुअली कहें कि ये तो कपड़े का पूरा मार्केट है, लेडीज जेंट्स सब है, खास तौर पे लेडीज का ज्यादा यहाँ। और देख सकते हैं मार्केट, रात 8 बज रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि 8 बज रहा है यहाँ। इधर भी देखें, इधर भी देखें, लोग हैं, लेडीज लोग सब खरीद रही हैं। आगे और भी मार्केट है तो हम आपको उसी तरफ लेके चल रहे हैं, और हमारे पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारा है सामान वामान। आगे और मार्केट है, आपको हम लेके चलते हैं आगे मार्केट की ओर। आप देख सकते हैं शीशे का सामान, और यहाँ कपड़े की दुकान, कुर्ता वगैरह सब मिल रहा है, और इधर शादी के लिए शेरवानी मिल रहा है। यहाँ लुंगी तकिया वगैरह मिल रहा है। और भी इस लैंड में पूरा मार्केट ही मार्केट है इस लैंड, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे पूरा मार्केट मिल जाएगा आपको। तो काफ़ी लंबा मार्केट है और काफ़ी लंबा वीडियो भी, हमको लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो इतना लंबा वीडियो आप भी देखना नहीं पसंद करते हैं, स्किप कर देते हैं। और यहाँ चूड़ी वगैरह लेडीज़ का मिल रहा,
अपने पे। और मठिया ब्रिज जो है ना काफ़ी रश वाला इलाका, काफ़ी यहाँ रश रहता है हर वक्त, ऐसा लगता है काफ़ी रश है यहाँ। और यहाँ चप्पल का स्टॉल लगा हुआ देख सकते हैं, चप्पल का स्टॉल है, काफ़ी सस्ता सस्ता चप्पल है यहाँ। चप्पल का स्टॉल है, और ये देखिए यहाँ भी समय चप्पल का स्टॉल लगा हुआ है, और मार्केट ही मार्केट है, चप्पल ही चप्पल है, जूता चप्पल लेना है आप सब ले सकते हैं यहाँ से, जूता है चप्पल है सब कुछ ले सकते हैं। बहुत आगे तक ये मार्केट जा रहा है, लाइट बल्ब है, आप अंधेरे में इसको लगा सकते हैं, रूम हो घर हो, अगर आपका शॉप है तो उसमें भी लगा सकते हैं, शॉप वगैरह में भी। आप देखते रस मार्केट का बहुत ज़्यादा रस है, और इधर भी देख सकते हैं, और स्ट्रीट फूड है खाने का, और इधर भी स्ट्रीट फूड है आप देख सकते हैं खाने के लिए, और काफ़ी भीड़ लगा हुआ है खाने के लिए, बहुत रश वाला एरिया ये। स्ट्रीट फूड का ठेला लगा हुआ है तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फलूदा लोग खा रहे हैं फलूदा, और भी बहुत सारा आइसक्रीम है, और उधर चाट है, सब कुछ है यहाँ स्ट्रीट फूड में, सब है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं, और यहाँ भी खा सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ आइसक्रीम है। तो हम लोग रबजा विद फलूदा, रबजा विद फलूदा हम लोग का बन रहा है, और वो वाला रबजा डलाया फलूदा के अंदर और अब आइसक्रीम डलाएगा इसमें, ओ इसमें आइस है विद लवली, और ये मलाई विद कुल्फी, एंड फाइनली कुल्फी डला गया, बस कटिंग हो रहा है, कटिंग के बाद डलाएगा और ये बन के तैयार होने वाला। ये क्या डाले? शिया शेख मलंगा। ये क्या है? मावा। और ये मावा डला रहा एंड विद ड्राई फ्रूट्स, और लास्ट में रबजा विद अलग ही एक अलग ही कुल्फी, कलकत्ता का जो चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने के बाद लग रहा है कि खाने के बाद और ही मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। फैनी फलूदा आ गया और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि फलूदा कैसा लग रहा खाने के बाद। हाँ फलूदा तो काफ़ी अच्छा है, और ये 35 रुपीज़ का फलूदा है, खाने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा, अभी तक मैं पटना में ऐसा फलूदा नहीं खाया जैसा अभी टेस्ट किया हम लोग, देख सकते हैं भाई लोग भी टेस्ट कर रहे हैं फलूदा, काफ़ी अच्छा फलूदा है, अगर आप मठिया ब्रिज आएँ तो ज़रूर टेस्ट करें, अगर आप मठिया ब्रिज आएँ तो ये फलूदा को ज़रूर से ज़रूर आप टेस्ट करें। स्टार फलूदा चेक किए हैं हम लोग, खाए हैं फलूदा अतर के शॉप पे, अतर खरीद रहे हैं। सलीना अलनुआइन को जो आता है, सलीना नहीं आता है, दूसरा मानता है, नाम गलत बता है। और इधर ये लोग खरीद रहे हैं सामान मठिया ब्रिज में, यह अतर खरीद रहे हैं हम लोग मठिया ब्रिज में। अभी हम लोग फाइनली मठिया ब्रिज पहुँच चुके हैं, और मठिया ब्रिज की सड़कों पर घूम रहे हैं, और अभी हम लोग मिष्टी दही की शॉप खोज रहे हैं जहाँ मिष्टी दही मिलेगा, तो देख सकते हैं ये भाई लोग मिले हैं हमको बंगाल में आपको अवेलेबल जी, देखिए कोई भाई लोग मिले हैं कलकत्ता में तो उनसे बात करेंगे। क्या हुआ नाम आपका भैया? ये हमारा जूस दुकान है। अच्छा राजू बाबा जी, ये आपका शॉप है? हाँ। क्या क्या मिलता है यहाँ? यहाँ आम का जूस, मौसम्बी, अनार, ये हर क्वालिटी आपको मिलेगी, नल्ला क्वालिटी से लेकर फर्स्ट क्वालिटी तक सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। अच्छा जगह आप लोग आ चुके हैं मठिया ब्रिज में, आज 15 अगस्त है, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। भाई लोग यहाँ मठिया ब्रिज में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और ये भाई का लुक देख सकते हैं एकदम फंकी लुक है तो हीरो के जैसा, तो भाई से बात करते हैं कि मठिया ब्रिज में रहते हैं आप, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रेयान है। आप मठिया ब्रिज के बारे में कुछ पूछिए, मेरा लुक को छोड़िए। मठिया ब्रिज बताइए क्या? मठिया ब्रिज का ऐसा रहन सहन। अच्छा
और मटिया ब्रुज कैसा इलाका, अगर लोग बाहर से घूमने आए तो क्या घूम सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा से घूम सकते हैं। यहाँ पे भाईचारगी का माहौल होता है और एक दूसरे को सब रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से सब रहते हैं अमन शांति से, ठीक है। और यह हमारे मटिया ब्रुज में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सरकार है, ठीक है। और दीदी सबको लेके चलती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं। और हमारे वार्ड के काउंसिलर 137 नंबर वार्ड के काउंसिलर वो भी सबको लेके चलते हैं, और 136 नंबर वार्ड के काउंसिलर वो भी सबको लेके चलते हैं। ये मटिया ब्रुज में जो सर जमीन पे हम लोग रहते हैं, बहुत अमन शांति का, सुकून, भाईचारगी का पैगाम होता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं। और आप कुछ बोलिए, यहाँ पे कोई मजहबी मतलब कुछ लेके टेंशन नहीं है, सभी अपना बिंदास रहते, सब भाईचारे की तरह रहते। कोई किसी के हिंदू अपना आराम से पूजा मनाता है, मुस्लिम अपना आराम से ईद मनाता है, कोई सब चीज़ का धर्म का लेके कोई ऐसा नहीं, सभी अपना मतलब सही से रहता है भाईचारे। तो जो भाई लोग थे मटिया ब्रुज के लोग, बहुत सारे लोग बोले और बहुत ही अच्छा लगा इन लोग से मिलने के बाद। तो फिर चलिए चलते आगे और मटिया ब्रुज का आपको और व्यू दिखाएंगे। और अभी हम लोग मिष्टी दही की तलाश में है, मिष्टी दही मिल जाएगा तो खाएंगे, फिर आपको भी टेस्ट बताएंगे कि मिष्टी दही का कैसा टेस्ट लगा। तो शॉप पे आ गए मिष्टी दही खाने के लिए और देखते हैं, हमारे दोस्त लोग बैठ गए हैं खाने के लिए मिष्टी दही, और मिष्टी दही आ रहा हम लोग को, और फिर खा करके टेस्ट करके देखते हैं कैसा मिष्टी दही। बहुत फेमस मिष्टी दही है, कलकत्ता का नामी है, फेमस है, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा रहता है मिष्टी दही। देखिए मोस्ट ऑफ द फेमस चीज़ मिष्टी दही, जो बिहार वासियों के दिल में बसा हुआ, बिहार के लोग इसे खाने के लिए तरसते हैं। तो देख सकते हैं दही टेस्ट हो रहा है, और खा कर बताते हैं कैसा लग रहा दही टेस्ट कर रहे। अच्छा दही, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और आपको बता दें कि इसका रेट, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, 20 रुपीज़ का है। तो हम लोग दूध पीने आए हैं, और इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें फिरनी है और भी मिठाई है बहुत सारे, और ये राबड़ी है और यहाँ भी मिठाई है, बहुत सारा मिठाई है। और यहाँ लस्सी भी मिलता है अंदर में बैठने का जगह भी है, बहुत अच्छा है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और अंदर में लस्सी भी मिलता है। तब हम लोग दूध के लिए चीनी डाला जा रहा है, रेडी हो रहा है। और ये उस्मान भाई है जो हम लोग के लिए दूध दे रहे हैं, और देखिए दूध को निकाल रहे हैं, और ये देखिए ये दूध डाला जा रहा है, एकदम गरम गरम दूध है। और दूध के ऊपर आप देख सकते हैं मलाई उसका, दूध का बहुत ही लाजवाब दिखने में लग रहा है, देख सकते हैं सब लोग दूध पी रहे हैं। बैक टू बैक ब्लॉग आपको देते रहेंगे, तो इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।